वेलकम टू बैक रियल ज्ञान। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैसेंजर एप्लीकेशंस पर अपना अकाउंट कैसे बनाएं। दोस्तों अगर आप भी मैसेंजर एप्लीकेशंस पर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप की स्टेप बाय स्टेप पूरा जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैसेंजर एप्लीकेशन से अपना अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, मैसेंजर ऐप को डाउनलोड करके ओपन करनी है। जैसे दोस्तों आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करेंगे मैसेंजर, जैसे ही एप्लीकेशन यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अकाउंट बनाने के लिए क्या करना है, जैसे ही ऐप डाउनलोड करके ओपन करते हैं ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू विथ इंग्लिश वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक कर लेंगे उसके बाद में सिंपली यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर अपने जब भी फेसबुक अकाउंट से अकाउंट को क्रिएट करना है, अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो कंटिन्यू विथ यहाँ पर जो भी आपकी फेसबुक अकाउंट का नाम रहेगा वो आ जाएगा, तो उस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपका जो भी अकाउंट रहेगा पे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपका अकाउंट रहेगा पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे मैसेंजर एप्लीकेशन पे अकाउंट क्रिएट हो चुका है। इस एप्लीकेशन में जो कभी मैसेज वगैरह रहेंगे चैट पे, यहाँ पर आपको जो भी मैसेज वगैरह रहेंगे वो सब देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप भी मैसेंजर एप्लीकेशन पर अपने अकाउंट को कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहले पहुंच सके।